और यार आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आईपीयू के एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो यार बहुत सारे बच्चों का ये डाउट था कि मेरे रैंक पे मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा, या वो जो सोच रहे हैं वो कॉलेज उन्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यार इसके लिए मैंने आईपी के एक्सपेक्टेड कट ऑफ से रिलेटेड एक पीडीएफ तैयार की है, जिसमें यार मैंने कई प्रोफेसर से बात करके पीडीएफ तैयार की है, क्योंकि आईपी यूनिवर्सिटी जो है थर्ड राउंड के बाद अपने कट ऑफ नहीं निकालती है। तो बहुत सारे बच्चे ये सोचते रहते हैं कि यार थर्ड राउंड के कट ऑफ के अकॉर्डिंग ये मेरी लास्ट कट ऑफ है, तो मुझे इस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, जो कि बिल्कुल गलत है। आईपी यूनिवर्सिटी 5 या 6 राउंड टोटल कंडक्ट कराती है, उसके बाद एक ओपन राउंड भी कंडक्ट कराती है, जिसके कट ऑफ आईपी यूनिवर्सिटी रिलीज नहीं करती है। तो काफ़ी ड्रास्टिक डिफरेंस मिलता है हमें थर्ड राउंड के बाद कट ऑफ में। तो यार ये जो है, ये मैंने थर्ड राउंड के मिनिमम मार्क्स, यहाँ पे जो मार्क्स आप देख रहे हो ये मिनिमम मार्क्स थर्ड राउंड के मैंने उठाए हैं, और जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो क्लोजिंग कट ऑफ है जनरल राउंड के, मतलब जनरल बच्चों के ये कट ऑफ हैं। तो और एक और बात मैं आपको बता दूं कि इस आईपी यूनिवर्सिटी में सिर्फ एससी और एसटी कैटेगरी को ही कोटा मिलता है, और आपका जो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी स्टूडेंट्स हैं उनको कोटा नहीं मिलता है। तो ये बाकी जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए भी सेम ही कट ऑफ लगभग लगभग रहने वाली है। और यूएसआईसीटी में यार जो है उसमें सिर्फ इस ये जो यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी है और यूएसआईसीटी है इंफॉर्मेशन एंड केमिकल टेक्नोलॉजी, इनमें लेकिन ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और जनरल और एससीएसटी सबको कोटा मिलता है। तो यार चलो मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता देता हूँ कॉलेज वाइज एंड ब्रांच वाइज। तो यार ये कोई इस ऑर्डर में, मतलब ये मैंने जो भी है आईपी के जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है वहाँ से मैंने मिनिमम कट ऑफ उठाया है, और मैक्सिमम कट ऑफ जो है आपका ये मैंने बता दिया आपको कि मैंने प्रोफेसर से वहाँ के और वहाँ के स्टूडेंट से बात करके दिया है। तो आपको चलो मैं एक एक कॉलेज के मेन मेन ब्रांचेज वाइज बता देता हूँ। तो यार बीपीआईटी भगवान परशुराम में जो है सीएसई फर्स्ट शिफ्ट का मिनिमम कट ऑफ था 62,831 एंड मैक्सिमम था यार 1,79,835। तो यहाँ तक आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगी। उसके बाद आते हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मतलब ट्रिपल ई ब्रांच पे, जो कि यार मिनिमम रैंक थी 1,83,975 एंड मैक्सिमम गई थी 392,762। आपको यार ये कट ऑफ कहीं पे भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि आईपी यूनिवर्सिटी एक्चुअली नहीं रिलीज़ करती है थर्ड राउंड के बाद के। टोटल 6-7 राउंड आईपी यूनिवर्सिटी कट ऑफ कंडक्ट कराती है। तो अगर आपका लेट से थर्ड राउंड तक नहीं मिलता तो आप फोर्थ राउंड के लिए भी वेट करना, तो आपको पक्का इस राउंड के इतने, अगर इसके अंदर अगर आपका कट ऑफ है तो आपको पक्का आपका डिज़ायर्ड ब्रांच मिल जाएगा। और ये जो पीडीएफ है इसका जो लिंक है ये मैं ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से भी इस पीडीएफ को रेफ़र कर सकते हो। उसके बाद यार आते हैं भगवान परशुराम के ही ईसी ब्रांच पे। तो इसकी मिनिमम कट ऑफ है 1,16,519 एंड मैक्सिमम गई है 2,77,683। फिर आईटी ब्रांच पे आते हैं तो ये स्टार्ट हुई थी 99,596 पे एंड ख़त्म हुई थी यार, मतलब सबसे लास्ट राउंड में भरी थी 1,68,976। उसके बाद यार हम आते हैं भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जिसे शॉर्ट में बीवीपीसीओई भी कहते हैं। तो अब इसके सीएसई पे आते हैं तो ये यार स्टार्ट हुई थी 32,673 पे और मैक्सिमम कट ऑफ इसकी गई थी 84,673। फिर या इसके ट्रिपल ई ब्रांच पे आते हैं जिसकी कट ऑफ गई थी 1,41,056 एंड क्लोजिंग कट ऑफ थी यार 3,08,111। फिर यार ईसी ब्रांच पे आते हैं इसके तो जो स्टार्ट हुई थी 79,619 से एंड ख़त्म हुई थी यार 1,93,525। फिर इसी कॉलेज के आईटी ब्रांच पे आते हैं जो स्टार्ट हुई थी 66,386 एंड यार ख़त्म हुई थी 1,07,800 पे। और इसके आईसी ब्रांच की जो कट ऑफ है ये है 2,21,505 स्टार्टिंग एंड यार ख़त्म हुई थी 6,08,068 पे। फिर यार हम दिल्ली टेक्निकल कैंपस के कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पे आते हैं। तो ये मैंने बताया था कि ये नोएडा का कॉलेज है और नोएडा का सबसे मतलब पुराना कॉलेज इसको कहा जाता है, और ये मतलब अच्छा कॉलेज है, तो आप इसको भी रेफ़र कर सकते हो अगर आपको दिल्ली के टॉप 5-6 कॉलेजेस नहीं मिलते हैं तब। तो यार दिल्ली टेक्निकल कैंपस की कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है यार 1,13,436 और मैक्सिमम गई है यार ये 8,64,783 रैंक तक।
एंड यार उसके बाद दिल्ली टेक्निकल कैंपस के ईसी ब्रांच पे आते हैं, तो जो कि है 2,14,798, और यार ये 10,76,984 एक तरीके से यार इसके ईसी में सबका ही एडमिशन हो जाता है अगर आप देखो तो। फिर यार NIEC जिसे अखिलेश दास गुप्ता इंस्टीट्यूट भी कहते हैं, तो इसका सिविल इंजीनियरिंग गया था यार, स्टार्टिंग था 1,19,905 एंड ख़त्म हुआ था यार ये 10,69,353। फिर यार इसके CSE फर्स्ट शिफ्ट का कट ऑफ है 76,659 से लेके 2,08,801। उसके बाद यार इसका CSE सेकेंड शिफ्ट का कट ऑफ है 1,40,40,836, और ये यार ये ख़त्म हुआ था 2,12,619। फिर यार इसका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पे आते हैं EEE शिफ्ट 1 पे, तो ये स्टार्ट हुआ था यार 2,36,109 एंड यार ख़त्म हुआ था 5,20,654। फिर यार इसका ईसी ब्रांच जो है ये स्टार्ट हुआ था यार 1,88,685 एंड ख़त्म हुआ था 3,37,958। फिर यार इसका ईसी सेकेंड शिफ्ट स्टार्ट हुआ था 1,75,165 एंड यार ख़त्म हुआ था 3,91,252। फिर इसका IT शिफ्ट 1 यार स्टार्ट हुआ था 1,21,470 एंड यार ख़त्म हुआ था 2,38,574। फिर यार इसका IT सेकेंड शिफ्ट जो है यार ये स्टार्ट हुआ था 1,57,398 एंड यार ख़त्म हुआ था 3,22,829। उसके बाद यार MAE ब्रांच जो है इसका शिफ्ट 1 यार वो स्टार्ट हुआ था 3,90,427 एंड यार ख़त्म हुआ था 10,34,292। एक तरीके से यार इसके मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग फर्स्ट शिफ्ट में सबको एडमिशन मिल गया था। फिर यार मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे आते हैं, तो ये स्टार्ट हुआ था यार 65,899 एंड यार ये ख़त्म हुआ था 6,18,211। पता नहीं यार इसके मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कट ऑफ इतना कम क्यों है, मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है। अगर कुछ आइडिया होगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि इसके मैकेनिकल का कट ऑफ इतना कम क्यों गया हुआ है स्टार्टिंग कट ऑफ। फिर यार GNIT ग्रेटर नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के हम मैकेनिकल पे आते हैं, जिसकी सॉरी इसके कंप्यूटर साइंस पे आते हैं, जो स्टार्ट हुआ था 1,55,102 एंड ख़त्म हुआ था 7,36,152 रैंक पे। फिर यार इसका ईसी ब्रांच है जो कि 2,30,705 पे स्टार्ट हुआ था एंड 9,40,729 पे बंद हो गया था। फिर यार इसका IT ब्रांच है जो कि 2,97,965 पे स्टार्ट होके 7,23,821 पे बंद हुआ था। ऐसे यार HMR का कंप्यूटर साइंस आप देख लो, 1,20,972 से स्टार्ट हुआ था एंड 7,06,842 पे बंद हुआ था। फिर यार HMR का ही CSE सेकेंड शिफ्ट का जो कट ऑफ है 1,84,557 से 77,32,451 पे क्लोज हुआ था। ऐसे यार आप देखते जाना, मैं जो है इसका नीचे अटैच कर दूंगा, मैं आपको मेन में हर एक कॉलेजेस के कंप्यूटर साइंस एंड IT ब्रांच का कट ऑफ बता देता हूँ। फिर यार उसके बाद हम आते हैं, क्योंकि यार HMR में भी अगर आप एक तरीके से देखो तो सबका ही एडमिशन हो गया था। जैसे कि इसका HMR का जो IT ब्रांच है फर्स्ट शिफ्ट एक तरीके से उसमें देखो तो 2 लाख पे स्टार्ट हुआ था एंड 10 लाख समथिंग पे ख़त्म हो गया था। उसी तरीके से इसका जो EC ब्रांच है यार ये 9,98,806 पे बंद हो गया था। तो यार अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलेज पे, जो कि जेम्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्निकल कैंपस। ये भी यार नोएडा का ही कॉलेज है, तो दिल्ली जो NCR वाले बच्चे हैं वो भी इसको प्रेफर कर सकते हैं, ये भी अच्छा कॉलेज माना जाता है। और जेम्स के बहुत सारे ब्रांचेज हैं, और जेम्स एक्चुअली टेक्निकल कैंपस में टेक्निकल इंस्टीट्यूट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो यार इसके CSE का कट ऑफ देख लेते हैं हम जल्दी से, तो यार ये है आपका 1,23,764 से लेके 8,79,545 तक। उसके बाद यार इसका मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कट ऑफ आप देख लेना। फिर यार अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं महाराजा अग्रसेन, जो कि बहुत बच्चों का ड्रीम कॉलेज होता है तो IP के अंदर। तो यार अब महाराजा अग्रसेन में हम मूव करते हैं, तो इसका कंप्यूटर साइंस का फर्स्ट राउंड का जो आप कट ऑफ देखोगे CSE का 1,019 रैंक, जो कि यार मुझे इसमें लगता है कुछ झोल है, क्योंकि 1,019 रैंक जिसकी आएगी JEE मेंस में वो बच्चा
IIT हैदराबाद में क्यों नहीं एडमिशन लेगा यार, जिसकी 1019 रैंक आती है तो वो IITs के लिए बना हुआ है, लेकिन बाई चांस अगर उसका किसी भी अच्छी IIT में नहीं होता है तब भी यार उसको NSIIT D2 IIIT दिल्ली मिल जाएगी अगर वो दिल्ली का स्टूडेंट होगा तो। उसके अलावा उसको IIIT हैदराबाद में भी कंप्यूटर साइंस, उसके बाद NIT त्रिची में भी जो टॉप कॉलेजेस हैं उनके कंप्यूटर साइंस में भी उसको सीट मिल जाएगी। तो 1019 रैंक वाला बंदा जो रहेगा या बंदी जो भी है तो वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इस कॉलेज में क्यों लेगी, ये मेरा एक क्वेश्चन था लास्ट ईयर भी IIT से, बट इसका मुझे कुछ आंसर मिला नहीं। और तो चलो मैं आपको मतलब मेरा काम है आपको बताना, तो यार ये इन्होंने हाईलाइट किया था क्योंकि लास्ट ईयर भी, तो मतलब मुझे ये कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं समझ में आया कि वो बच्चा इन टॉप कॉलेजेस में क्यों नहीं जाके महाराजा अग्रसेन में आएगा, वो भी IIP के कॉलेज में। तो चलो ये तो मेन है, ये 1019 रैंक से स्टार्ट हुआ था और 69,770 पे इसका कंप्यूटर साइंस क्लोज हो गया था। फिर यार महाराजा अग्रसेन के CSE सेकेंड शिफ्ट का 33,411 पे स्टार्ट होके ये 78,959 पे क्लोज हुआ था। तो यार ये देखो फर्स्ट और सेकंड के बीच में कंप्यूटर साइंस में हल्का फुल्का डिफरेंस आता है 2-3 हज़ार रैंक का, बट यहाँ पे मतलब 32,000 रैंक का इतना ड्रास्टिक डिफरेंस है तो पता नहीं मतलब। उसके बाद यार इनके पास एक और ब्रांच है कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये भी लगभग लगभग CSE के बराबर ही है, बट इसमें यार आपको हल्का सा ये IT वाला भी कॉन्सेप्ट मतलब EC का भी कुछ कुछ पार्ट पढ़ाएंगे, तो ये हल्का सा कोर की तरफ जाता है बट वैल्यू सेम ही है, चाहे CSE हो चाहे CST हो या IT ब्रांच हो या ITE ब्रांच हो। चलो मैं इनके बारे में भी आपको बीच बीच में डिफरेंस बताता जाऊँगा। तो कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी यार 55,683 से लेके 87,765 पे क्लोज हुआ था। फिर यार इसका IIIE ब्रांच है, ये 1,01,332 पे स्टार्ट हुआ था और यार 2,78,974 पे क्लोज हो गया था। फिर इसका EC भी यार अच्छा माना जाता है, तो इस कॉलेज ये कॉलेज का जो EC है ये स्टार्ट हुआ था 47,364 से लेके 1,47,038 पे। फिर यार इसका IT फर्स्ट शिफ्ट जो है यार ये 50,738 पे स्टार्ट हुआ था एंड यार क्लोज हुआ था ये 87,582 पे। फिर यार इसका IT ब्रांच है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, यार IT एंड IT ब्रांच में कुछ मतलब बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है, तो इन्होंने सीट बढ़ाने के लिए एक तरीके से इसको इंट्रोड्यूस कर दिया और इसमें एक दो आपसे एक्स्ट्रा मतलब प्रैक्टिकल्स करवाएंगे और एक दो CSE के सब्जेक्ट पढ़ाएंगे जो सेम आपका CST ब्रांच में ये पढ़ा रहे हैं, लगभग लगभग सेम दोनों का सिलेबस होगा। और यहाँ तक कि मैं आपको कह रहा हूँ कि CSE CST उसके बाद IT एंड IT इन चारों का लगभग लगभग यार सिलेबस सेम ही रहेगा, तो कुछ भी डिफरेंस नहीं रहेगा। हो सकता है कहीं पे आपको एक दो कोर सब्जेक्ट EC से उठा के ये एक्स्ट्रा पढ़ा दें, जैसे डिजिटल सर्किट एंड के कुछ कंपोनेंट्स या डीप में किसी सब्जेक्ट में ले जाएं, तो नहीं आइडिया मुझे इसके बारे में, बट यही है मेन, ये चारों ब्रांच इक्विवेलेंट हैं। इनका यार स्टार्टिंग कट ऑफ है 79,682 एंड यार क्लोजिंग कट ऑफ है 1,05,98। उसके बाद यार एक सेकेंड मैं मूव करते हैं नेक्स्ट पे। फिर यार अब महाराजा अग्रसेन के मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग पे जाते हैं, जो स्टार्ट हुआ था 67,701 से एंड यार क्लोज हुआ था 5,20,837। उसके बाद यार महाराजा अग्रसेन के ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे जाते हैं, जो कि 57,196 पे स्टार्ट होकर 2,36,642 पे क्लोज हुआ था। तो यार बहुत बच्चे पूछ रहे थे कि भैया मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो यार जो ऑटोमेशन इंजीनियरिंग होता है ना वो एक तरीके से मैनुअल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करता है, एंड जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है इसका सिलेबस इन्होंने चेंज किया है, चेंज मीन्स की अपडेट किया है, तो यार इसकी कट ऑफ इसीलिए इतनी कम जा रही है एज़ कम्पेयर टू मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, जबकि दोनों में सेम पढ़ाई लगभग लगभग सेम है, बट ऑटोमेशन इंजीनियरिंग एक तरीके से इसमें आपको ऑटो कॉम्पोनेंट्स यानी कि जैसे कार के इंजन इन सब के बारे में आपको पढ़ाएंगे, लेकिन मैनुअल तरीके से कैसे डिज़ाइन होता है और इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा पढ़ाएंगे। और इसमें क्या है कि आपको लेटेस्ट सिलेबस एंड अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको नए तरीके से पढ़ाते हैं। फिर यार MSIT महाराजा सूरजमल के कंप्यूटर साइंस फर्स्ट शिफ्ट के का जो कट ऑफ है 32,402 से स्टार्ट होकर यार ये 71,718 तक गया था। फिर यार इसका CSE सेकेंड शिफ्ट जो है वो 54,562 से स्टार्ट होके यार
111 पे क्लोज हुआ था, फिर इसका ट्रिपल ही आप देख लो, 111,254 से स्टार्ट होके 220,146 पे क्लोज हुआ था। फिर इसका ईसी सेकेंड फर्स्ट शिफ्ट जो है 87,055 से स्टार्ट होकर 198,399 पर क्लोज हो गया था। फिर यार इसका जो ईसी ब्रांच है ये यार 136,037 पे स्टार्ट होके 231,423 पे क्लोज हो गया था। फिर इसका आईटी फर्स्ट शिफ्ट जो है ये 71,701 से स्टार्ट होके 102,130 पे क्लोज हो गया था। एंड इसका आईटी सेकंड शिफ्ट जो है 82,220 पे स्टार्ट होके 119,544 पे क्लोज हो गया था। फिर यार ये त्रिनिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन एंड प्रोफेशनल स्टडीज़ है, तो ये भी यार नोएडा का ही कॉलेज है। तो बट यार ये कॉलेज जो है ना एक्चुअली नया खुला हुआ है काफ़ी, मतलब इस कॉलेज को इस्टेब्लिश हुए लगभग 10 साल के अराउंड हुए, तो काफ़ी नया कॉलेज है। बट यार आप इसको भी प्रेफर कर सकते हो अगर आपको बाकी कॉलेजेस में नहीं मिलता, और यार नोएडा के स्टूडेंट हो तो आप दिल्ली टेक्निकल कैंपस और जेम्स में आप प्रेफर करना, मैं रिकमेंड करूँगा। तो यार त्रिनिटी में जब हम आते तो CSE इसका है 185,704 से स्टार्ट होके 898,082 पे क्लोज हो गया था। फिर ईसी का आप देख लेना। उसके बाद हम आईटी ब्रांच पे आते तो यार ये स्टार्ट हुआ था 357,274 पे एंड क्लोज हुआ था 920,169। उसके बाद यार यूएस आईसीटी एंड यूएस सिटी में बहुत बच्चे कंफ्यूज थे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो मैं आपको बता दूँ ये दोनों जो है यूनिवर्सिटी कैंपस के ही कॉलेजेस हैं, दोनों की बिल्डिंग अलग है बट कॉलेज कैंपस सेम है, तो इसीलिए इन्होंने एक बिल्डिंग का नाम केमिकल टेक्नोलॉजी दे रखा है जिसमें ये केमिकल से रिलेटेड चीज़ें पढ़ाते हैं, और जो दूसरी बिल्डिंग है उसमें कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड चीज़ें पढ़ाते हैं। तो यार ये सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है और इसमें यार एस सी एस टी ओ बी सी हो या EWS स्टूडेंट हो या कश्मीरी माइग्रेंट हो सबको कोटा मिलता है, तो आप अपने रिस्पेक्टिव रैंक के अकॉर्डिंग देख सकते हो। तो यार यूएस सिटी पे आते जब हम तो इसके बायोकेमिकल इंजीनियरिंग का कट ऑफ स्टार्ट होता है 74,763 पे एंड ख़त्म होता है 56,450 पे। फिर इसका केमिकल इंजीनियरिंग का कट ऑफ है 66,658 एंड क्लोज हुआ था ये 207,101 पे। उसके बाद अब आते हैं यू एस आई सी टी पे, तो इसका सी एस ई जो है 10,305 पे स्टार्ट हुआ था एंड 58,081 पे क्लोज हुआ था। उसके बाद इसका ई सी ब्रांच जो है 67,237 से लेके 89,713 पे ये क्लोज हो गया था। उसके बाद इसका जो आई टी ब्रांच है 58,148 पे स्टार्ट हुआ था एंड 65,227 पे क्लोज हो गया था। तो यार अब बहुत बच्चों का एक और डाउट था कि ये जो डुअल डिग्री यहाँ पे लिखा हो इसका क्या मतलब है। तो यार देखो डुअल डिग्री का जनरली इंडिया में क्या मतलब होता है कि दो डिग्री एक साथ कराते हैं एट शॉर्ट, मतलब कम टाइम में। जैसे कम टाइम ये मीन्स कि अगर आप बीटेक करने जाओगे तो आपको 4 साल लगेंगे और एमटेक करने जाओगे तो आपको 2 साल और लगेंगे, तो टोटल 6 साल हो गया। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट क्या कराते हैं कि उन दोनों डिग्री को कंबाइन करके बीटेक प्लस एमटेक डिग्री को 5 साल में करा देती है, या बीटेक प्लस बहुत जगह कॉम्बिनेशन होता है, जैसे बिटलानी में बीटेक प्लस एमएससी का कॉम्बिनेशन है, उसके बाद आपके IIIT हैदराबाद में बीटेक प्लस एमएस का कॉम्बिनेशन है, उसके बाद यार IGDTW में बीटेक प्लस एमबीए का कॉम्बिनेशन है, फिर IIT मद्रास में जैसे मेरे कॉलेज में इनमें भी बीटेक प्लस एमटेक का है। तो डुअल डिग्री आपको 5 साल में कराते हैं, बट इस कॉलेज यहाँ पे एक वो है कैच है कि इन्होंने ये जो है ना डिग्री मतलब दोनों डिग्रीज को जो है अलग अलग कराते हैं, 4 ईयर प्लस 2 ईयर, यानी कि आप किसी भी कॉलेज से करोगे तो आपको 6 साल ही लगेंगे और आप इससे भी करोगे तो आपको 6 साल ही लगेंगे। बट इन्होंने एक क्या ऑप्शन दे रखा है कि आप इनमें से किसी में भी अगर डुअल डिग्री करते हो, मतलब आपको जब आप इनरोल करोगे कॉलेज में तो आपको एज अ डुअल डिग्री स्टूडेंट ही ट्रीट किया जाएगा और आपकी जो डिग्री है वो 6 साल की होगी, बट आपको 3rd ईयर के एंड में आपसे पूछा जाएगा कि आप इस डिग्री को कंटिन्यू करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। तो अगर आप नहीं करना चाहते तो आप 4th ईयर के बाद अपनी बीटेक की डिग्री लेके कॉलेज से बाहर जा सकते हो, ठीक है। तो और इसके कुछ वो भी नहीं होते, आप खुशी खुशी कॉलेज छोड़ सकते हो, ना कोई आप पे दबाव डाला जाएगा या ना कुछ रहेगा। तो अगर आपको मिल जाता है एक कॉलेज तो आप USICT में ITCSE या EC जो भी आप ब्रांच सोच रहे हो तो उस हिसाब से आप घुसना कॉलेज में, और 3rd ईयर में आपसे पूछा जाएगा, आपके को ऑप्शन दिया जाएगा कि आपको कंटिन्यू करना है। अगर आपको इंटरेस्ट ना हो 2 साल फालतू में वेस्ट करने के
तो आप छोड़ देना कॉलेज, या हो सकता है आपका थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में आपको कोई IITs मिल जाए या बिट्स प्लानी मिल जाए, तो आप अगर आप तब भी अगर आपको M.Tech करना है, लेट से इस कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं हुआ, या आप हायर स्टडीज़ करना चाहते हो, आपको M.Tech या MS करना है, तो आप IITs में जा सकते हो। तो 2 साल वहाँ पे अगर आप डालोगे अपने, तो वो ज़्यादा वर्थ होगा एज़ कम्पेयर टू यहाँ के 2 साल के M.Tech के। तो आप थर्ड ईयर में नो लिख के डाल सकते हो। तो यही था यार कि डुअल डिग्री के बारे में भी मैंने आपको बता दिया, और जो भी ये कट ऑफ है यार मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक डाल दूंगा, तो आप वहाँ से रेफ़र कर लेना। तो यार इनके जो क्लोजिंग कट ऑफ थे मैंने पहले बता दिया था कि ये अनऑफिशियल हैं, बट आपको आपकी अगर ये रैंक है तो ये मेरी गारंटी कि आपको इसके अंदर जो है एडमिशन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। तो चलो, और आपका कोई भी डाउट है यार तो आप ना पूछ लेना मेरे से चैट बॉक्स में, मैं आप सबकी हेल्प करूँगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो यार तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।